हाँ जी, तो आज का जो हमारा चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो है फाइनेंशियल मार्केट। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, सबसे पहले हम पढ़कर आए थे फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस जो थे फोर। पहला क्या था अभी, एलोकेशन ऑफ फंड या फिर चैनलाइजिंग ऑफ फंड, डायरेक्शन ऑफ फंड या मोबिलाइजेशन ऑफ फंड। इसके कुछ कंसीक्वेंसेस थे, हायर रेट ऑफ रिटर्न किसके, हाउस होल्ड के, कब मिलेंगे, जब एक अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। दूसरा था सेवर और इन्वेस्टर सप्लाई और डिमांड क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से प्राइस डिस्कवरी होती है। क्या होती है प्राइस, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है प्राइस। फिर हमने तीसरा पढ़ा था जब ये बायर और सेलर एक जगह पे इकट्ठे होते हैं तो ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं मार्केट को। क्या प्रोवाइड करते हैं, लिक्विडिटी का मतलब इजिली कन्वर्टेबिलिटी इंटू कैश। एंड लास्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था कि ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या थी, सर्चिंग कॉस्ट, इंफॉर्मेशन कॉस्ट, वो सब क्या होता है, कम लगता है। फिर हमने ये पढ़ा था कि जो फाइनेंशियल मार्केट जो है, सेकंड क्लास जो लास्ट क्लास हुई थी वहां पढ़कर आए थे, दो पार्ट से बांटा गया। पहला था हमारा मनी मार्केट और दूसरा था हमारा कैपिटल मार्केट। जैसा कि तुम्हें याद हो तो मनी मार्केट में हमने पढ़ा था ये एक शॉर्ट टर्म मार्केट होता है, जबकि कैपिटल मार्केट एक तरह से लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करता है। कौन, कैपिटल मार्केट। हमने इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन और ली थी, लाइक ये हमेशा अनसिक्योर्ड होते हैं, क्योंकि कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। क्या होते हैं ये, अनसिक्योर्ड होते हैं, और हम इसको बोलते हैं मॉनिटरी एसेट्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मॉनिटरी एसेट्स। और इस मनी मार्केट के अंदर फाइव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हमने पढ़े थे। कौन कौन से थे वो, पहला था जो गवर्नमेंट के पास था जिसको हम कहते थे ट्रेजरी बिल्स, जिसको जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता था, 25,000 रुपए का एक होता था और उसका मल्टीपल होता था, और ये एक प्रॉमिसरी नोट था। प्रॉमिस किसने किया था, सरकार ने, नो रिस्क गारंटेड यील्ड। फिर हमने दूसरा इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था, जो कंपनी के पास दो इंस्ट्रूमेंट थे, पहला था क्या कॉमर्शियल बिल, दूसरा था कॉमर्शियल पेपर। हमने इसके बारे में पढ़ा था, पहले होते हैं ट्रेड बिल्स यानी BR, फिर जैसे ही वो बैंक से डिस्काउंटेड करवाते हैं क्या बन जाता है, वो कॉमर्शियल बिल। और इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो कॉमर्शियल बिल होते हैं ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के काम आते हैं। फिर था दूसरा कॉमर्शियल पेपर, जिसके बारे में हमने कहा था दिस इज द ऑल्टरनेटिव ऑफ बैंक बोरोइंग, बैंक से बोरो कर लो या पब्लिक से बोरो कर लो, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या होता है, कम होता है। ये सिर्फ क्रेडिट वर्दी कंपनीज ही इस मेथड को यूज कर पाती हैं और पब्लिक से डायरेक्ट पैसा लेती है। और इसके बारे में हमने पढ़ा था ये सेल करती है कॉमर्शियल पेपर्स को डिस्काउंट पे, और रीपेमेंट होता है किस पे, पार पे, और बीच में जो होता है वो क्या हो गया, इंटरेस्ट। और इसकी जरूरत एक तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पड़ती है, दूसरा जो मैंने अभी कहा था समझाऊंगा, जिसे कहते हैं ब्रिज फाइनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रिज फाइनेंस, एक नंबर पे क्वेश्चन डाल देते हैं व्हाट इज ब्रिज फाइनेंस, और अब तो वैसे भी एक नंबर के बहुत आने हैं तो ये उठ रहे हैं। हाँ जी, ब्रिज फाइनेंस। फिर तीसरा इंस्ट्रूमेंट, अब जो मैं बोल रहा हूं ध्यान सुनना, वो था बैंकों का। बैंकों के भी दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक तो वो जब वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के नाम पर पब्लिक से डायरेक्ट पैसा ले लेते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के नाम पर पैसा लेते हैं, कब लेते हैं, जब लिक्विडिटी क्या होती है टाइट, डिपॉजिट रेट्स क्या होते हैं कम, और पब्लिक उधार की डिमांड क्या कर रही होती है ज्यादा। जब ये सारे के सारे पॉइंट इकट्ठे होते हैं तो ऐसे में क्या होता है, पब्लिक से पैसा उठाती है कौन,
बैंकें कॉमर्शियल बैंक्स किस नाम से, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब जो लेकर आ रहा हूं वो भी बैंक का ही है, मैंने बोला था स्टार्टिंग में आरबीआई, आरबीआई के यहां पर खेल हो रहा था, लेकिन कौन उधार ले दे रहा था, बैंक्स। तो बैंकों ने किस नाम से, कॉल मनी के नाम पर पैसे का लेन देन किया। एक बैंक ने दूसरे बैंक को, जो सीआरआर में चेंजेस आते हैं, सीआरआर के अमाउंट में जो चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को एक बैंक दूसरे बैंक से शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करता है, लेंडिंग एंड बोरोइंग करते हैं, जिसे बोलते हैं कॉल मनी। और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे काम होता है उसे बोलते हैं क्या, कॉल रेट। कितने इंस्ट्रूमेंट थे भाई, पहला टी बिल, दूसरा कॉमर्शियल बिल, तीसरा कॉमर्शियल पेपर्स, फोर्थ वन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, फिफ्थ वन कॉल मनी। ये सब हम पढ़ चुके थे। और आज हमारा टॉपिक क्या है, तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है, दो पार्ट से बांटा गया था, प्राइमरी मार्केट, सॉरी मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। आज का टॉपिक हमारा सिर्फ कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है। पहली बात तो ये कि कैपिटल मार्केट एक लॉन्ग टर्म क्या है, एक लॉन्ग टर्म मार्केट है। कौन सा मार्केट है जो लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करता है। मेरा तुमसे एक ही क्वेश्चन है, पहले तो बताओ तुम्हारे हिसाब से लॉन्ग टर्म फंड, हाँ भाई लॉन्ग टर्म फंड कंपनी को चाहिए क्यों। मेरा क्वेश्चन ध्यान सुनना, किसी भी कंपनी को लॉन्ग टर्म फंड क्यों चाहिए। हाँ ध्यान सुनना, एक ने बोला एसेट्स, सही बोल रहा है, और कोई बोलो, फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, और कोई बोलो, बड़े एक्सपेंस, ठीक है, और बोलो, बहुत बढ़िया, और बोलो, अच्छा और बोलो, बढ़िया नहीं बोला मैंने इसके लिए लेकिन ना, हाँ लेकिन और बोलो। तो ध्यान देना, तुम सभी ने जो बोला है ना इसलिए नंबर नहीं आते, फिर तुम बोलते हो टेक्निकल टर्म का है, गलत तुमने नहीं बोला लेकिन तुमने इन जनरल लैंग्वेज यूज कर ली। तो आओ समझते हैं किस लिए चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल, ठीक है। तो नहीं, अरे बंद कर दो इसे यार, क्या तुम भी गंदे गंदे बंद कर बुक, वो तो पता नहीं ये बुक किस लिए। पॉइंट नंबर वन, किसी भी कंपनी को अगर न्यू क्या करना है, न्यू बिजनेस एस्टैब्लिश करना है, एस्टैब्लिशमेंट यानी बिजनेस के एस्टैब्लिशमेंट के लिए चाहिए होता है क्या, लॉन्ग टर्म पैसा। अच्छा बिजनेस हो गया एस्टैब्लिश, अब क्या समय के साथ साथ, मेरी बात ध्यान सुनना, क्या समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी चेंज होती है, इसका मतलब मुझे मॉडर्नाइजेशन के लिए चाहिए पैसा, किसके लिए, मॉडर्नाइजेशन। समय के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन तो हम करेंगे करेंगे, लेकिन तुम्हारे हिसाब से क्या हमें एक्सपेंशन एंड ग्रोथ भी करनी चाहिए, यानी एक शहर से दो शहर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री एक्सपेंशन करना चाहिए, तो ये पैसा क्यों चाहिए, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए। सर्वाइवल तो नहीं बोल रहे ना, सर्वाइवल इज अ शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट, सर ग्रोथ क्या है, लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट। तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए चाहिए। अच्छा हम टीचिंग करते थे, टीचिंग को हमने बहुत ग्रो कर दिया, पहले हमने एस्टैब्लिश किया, फिर उसको मॉडर्नाइज किया, फिर उसका एक्सपेंशन किया, ग्रोथ की। अब हमें लगता है कि हम एक और काम शुरू करते हैं साथ में, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्सिफिकेशन। तो हमें डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी पैसा चाहिए। अब हमने डाइवर्सिफिकेशन कर लिया, बहुत पैसा कमा लिया, अब मैं चाहता हूं सारे कॉम्पिटिटर्स को खरीद लूं, अब मैं चाहता हूं अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को खरीद लूं, क्या बोलते हैं इसको, मर्जर एंड एक्विजिशन, मतलब दूसरी कंपनी को खरीदना चाहता हूं मैं। तो ध्यान देना, ये तुम्हें कितने पॉइंट दिखाई दिए, पांच। ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल होती है वो इस काम के लिए अच्छी होती है, दीज आर द टेक्निकल आंसर्स। जो बड़ा इन्वेस्टमेंट छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, क्या बोल रहे हैं हमें लॉन्ग टर्म फंड की जरूरत क्यों पड़ती है, पांच रीजंस की वजह से। पहला एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एंटरप्राइज, दूसरा उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए, तीसरा उसके एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए, फिर डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और मर्जर एंड एक्विजिशन। लाइक रिलायंस ने टाटा को खरीद लिया, नहीं खरीदा नहीं मैं बोल रहा हूँ लाइक, है ना। तो
दीज ऑल आर दी रिक्वायरमेंट. इन सभी रीजंस की वजह से हमें क्या चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म फंड इन कामों के लिए चाहिए होता है. ये लॉन्ग टर्म फंड हमें किस मार्केट से मिलता है, किस मार्केट से, कैपिटल मार्केट से मिलता है. ठीक है, तो कैपिटल मार्केट, इस कैपिटल मार्केट को एक बार फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया. पहला जिसको नाम दिया गया प्राइमरी मार्केट, दूसरा सेकेंडरी मार्केट. दो तरह के मार्केट है कैपिटल मार्केट के अंदर. मतलब लॉन्ग टर्म पैसा लेन देन करना है तो हमें प्राइमरी और सेकेंडरी दो मार्केट्स के अंदर काम करना होता है. ठीक है, कौन कौन से मार्केट है कैपिटल मार्केट के अंदर, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट. पैसा किसके लिए चाहिए लॉन्ग टर्म, रीजंस क्या है, दीज ऑल आर द रीजंस जिसकी वजह से हमें पैसा चाहिए. यह पैसा जो है मुझे या तो डेट के नाम पर या फिर इक्विटी के नाम पर मिलेगा. तुम डेट लो या इक्विटी लो, अगर आप लॉन्ग टर्म पैसा लेना चाहते हो तो आपको कंट्रोल करने के लिए सेबी आएगी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. इसका काम क्या है, ध्यान देना, सेवर को प्रोटेक्शन देना कि उसने जो इन्वेस्टमेंट की है उसकी इन्वेस्टमेंट कहीं कोई गलत तरीके से उसको उसके पैसे को बर्बाद ना कर दे. कौन है इसके लिए, सेबी. इसका काम क्या है, वो सेवर्स जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं या शॉर्ट टर्म भी करते हैं, वो मेन कौन कंट्रोल करता है उसको, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. चैप्टर के एंड में पूरा टॉपिक आएगा ये. तो ये सेबी की एक छोटी सी फंक्शनिंग है जिस फंक्शनिंग के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं. तुम्हारे हिसाब से कैपिटल मार्केट, जो कैपिटल मार्केट है जिसको कि हम ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़कर आए हैं, क्या प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म फंड, किस काम के लिए, पांच कामों के लिए. पहला एस्टेब्लिशमेंट, दूसरा उसका मॉडर्नाइजेशन, तीसरा उसका एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, फिर डाइवर्सिफाई करना और कॉम्पिटिटर्स को खरीद लो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के लिए. ठीक है, और जो भी ये पैसा है वो किसके नाम से माना जाएगा, या तो डेट के नाम पर मांगा जाता है या फिर इक्विटी के नाम पर, लॉन्ग टर्म फंड. और इसे कौन कंट्रोल करती है, सेबी. इसका मतलब कोई भी कंपनी जिसको पैसा चाहिए बिना सेबी की परमिशन के वो पैसा ही नहीं मांग सकती है. तो आओ हम अपने टॉपिक को करने से पहले कुछ एक छोटा सा मैकेनिज्म समझेंगे. उस मैकेनिज्म की और गहराई मैंने दो घंटे वाली क्लास में करवानी है, नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, आज हम जो मैकेनिज्म कर रहे हैं वो देखते हैं. तो जो भी मैं करवाने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, और दो घंटे के बाद तो ये मज़ेदार चीज़ बन जाएगी, और तुम सभी का इंटरेस्ट इसके अंदर बहुत 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 आने वाला है. और तुम लोग पढ़ चुके हो लेकिन ऑब्वियसली आता नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, वो इलेवंथ है नहीं, इलेवंथ थोड़ा बहुत पढ़कर आए हो तुम. क्या तुम लोगों ने इलेवंथ में एक चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी? तुम दोबारा इलेवंथ पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है फिर. बहुत बढ़िया, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी चैप्टर, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. इस चैप्टर में ऐसा बताया गया था कि किसी भी कंपनी को अगर पब्लिक से पैसा लेना है तो उसको जाना होता है कहां पर, सेबी के पास. कहां जाना होता है, सेबी के पास. सेबी से परमिशन लेनी होती है. किस बात की परमिशन, फॉर एग्जांपल कंपनी ने बोला कि मुझे 1000 शेयर एट द रेट ₹10 ईच से इश्यू करने हैं. सबके शेयर चल रहे होंगे तो तुम्हें टेक्निकल टर्म्स अपने आप समझ में आ जाएंगे. कितने, यानी कि ₹10,000 पब्लिक से लेने हैं. 10,000 करोड़ लगा देना, छोटा अमाउंट नहीं होता, बड़े अमाउंट लेते हैं सेबी के थ्रू. 10,000 मैं ही लगा देता हूँ करोड़ रुपए लेने हैं. ठीक है,
मेरा क्वेश्चन तुम सबसे, क्योंकि सबके शेयर चल रहे हैं, सेबी ने परमिशन दे दी, क्या बोलते हैं इसे? मैं जब तक एग्जैक्टली सुनूंगा तब तो कुछ बोलूंगा नहीं। ऑथराइज्ड कैपिटल, क्या बोलते हैं इसको? ऑथराइज्ड कैपिटल। कोई भी कंपनी को जब सेबी क्या करती है, ऑथराइज करती है कि आप मैक्सिमम इतने शेयर्स इस रेट से ले सकते हो, उसे कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ये परमिशन लेना आसान काम नहीं है, ये परमिशन लेने के लिए सालों लग जाते हैं, कंपनियां प्रोसेस में लगी रहती हैं, तब जाके ये परमिशन मिलती है, क्योंकि पब्लिक से पैसा लेना आसान काम नहीं है। पहली बात से वैसे तो आसान काम है, लेकिन सेबी ने इतनी फॉर्मेलिटीज की हुई है कि इस काम को आप आसानी से नहीं कर सकते हो। जब ये ऑथराइज कैपिटल ली जाती है तो ध्यान से सुनना इस बारे में, कंपनी यानी सॉरी सेबी इस चीज की चार्ज करती है फी, फ्री में नहीं होता ये, और ये अच्छी फी होती है, हैवी फी होती है। मतलब अगर आप एक आप 10,000 करोड़ रुपए लेना चाहते हो तो उसका बहुत बड़ा अमाउंट तो आपको सेबी को देना पड़ जाता है, जो कि सेबी का हो गया। लेकिन क्या ये ऑथराइज कैपिटल मिलते ही आप मार्केट में जाके शेयर इशू करना शुरू कर दोगे? क्या आप वो एंट्री करना शुरू कर दोगे जो पढ़कर आए हो शेयर्स के अंदर, बैंक अकाउंट डेबिट टू दिस एंड दिस एंड दिस? नहीं, तुम्हें ऑथराइज तो हो चुका है कि तुम इतने ले सकते हो पब्लिक से, लेकिन सेबी तुमसे कहता है कि भाई जी एक काम करो, अगर आपको ये पैसा चाहिए तो आपको हमारी दो और इंस्टीट्यूशंस हैं वहां जाना पड़ेगा, इन दोनों जगहों पर जाके पहले रजिस्ट्रेशन लो और फॉर्मेलिटीज पूरी करो। ये क्या है? तो एक है जिसे कहते हैं मार्केट, यानी कि स्टॉक मार्केट, बोले तो स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है डिपोजिटरी। इन दो जगहों पर कौन भेजता है? सेबी। सेबी कहती है जाओ और इन दोनों को भी फी देकर आओ। मतलब क्या? आपको परमिशन तो मिल चुकी है कि आप 10,000 करोड़ पब्लिक से इकट्ठा कर लो, लेकिन उससे पहले आपको फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। कौन सी फॉर्मेलिटी? आपको एक स्टॉक मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ेगा, और इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज है? दो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों जगहों पर जाओ, और यह तुम्हारी प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है कि तुम चाहो तो एनएससी या बीएससी या दोनों। तो बड़ी कंपनीज तो दोनों मार्केट में रजिस्टर्ड होती हैं, बहुत छोटी कंपनी सिर्फ बीएससी में रजिस्टर्ड होती है, और इनके बीच वाली कंपनी हो गई वो एनएससी में। मतलब इनमें से बड़ा मार्केट यानी बड़ा बाजार कौन सा है? एनएससी। एनएससी बीएससी के कंपेयर में बहुत बड़ा बाजार है। तो सेबी ने कहा कंपनी से कि जाओ पहले शेयर मार्केट में जाकर वहां पर रजिस्टर्ड करवाओ, किसको? अपनी कंपनी को। क्या अभी शेयर्स इशू हो चुके हैं? नहीं, अभी शेयर्स इशू, उससे पहले क्या बोला जा रहा है कि जाओ पहले एनएससी या बीएससी में अपने शेयर को क्या करो? लिस्टेड। क्या बोल रहा हूं मैं टर्म? लिस्टेड मतलब रजिस्टर्ड। तो कंपनी पहुंची, उसने स्टॉक एक्सचेंज में जाके खुद को क्या करवा दिया? रजिस्टर्ड। अब उसको कहां जाना है? दूसरा डिपोजिटरी। कहां जाना है? डिपोजिटरी। पहली बात तो एक बार स्टॉक मार्केट को लेके थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है, चाहे वो एनएससी हो या बीएससी हो, जहां पर बहुत सारे बायर्स आते हैं, बहुत सारे सेलर्स आते हैं, और क्या होती है? प्राइस डिस्कवरी। बीएससी में बहुत सारे बायर आते हैं, बहुत सारे सेलर आते हैं, और अगेन क्या होती है? प्राइस डिस्कवरी। यानी कि मार्केट हम उसको कहते हैं जहां पर बायर सेलर दोनों आते हैं, दोनों मिलकर क्या करते हैं? बाइंग सेलिंग करते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट में जाके हर कंपनी के लिए कंपलसरी है कि वो रजिस्टर्ड हो जाए। अभी तक पब्लिक को शेयर बेचे, इशू बेचने नहीं बोले कि क्या इशू नहीं किए,
उससे पहले क्या बोल दिया है, जाओ यहां पर रजिस्टर्ड हो जाओ, ठीक है सर। फिर कहा गया कि ऐसा है कि तुम जो ये 10,000 यानी 10,000 करोड़ के जो शेयर बेचने वाले हो, नंबर ऑफ शेयर कितने थे ये, नहीं 10,000 करोड़ के जो व्हाटएवर द नंबर, नंबर ऑफ व्हाटएवर द नंबर ऑफ शेयर्स, ये सारे के सारे अभी पेपर फॉर्म में है। कौन सा फॉर्म? ध्यान देना, ये जो रुपया है ये मटेरियल है, क्या ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं? क्या ये, इसे बोलते हैं मटेरियलिस्टिक चीजें। तो ये मटेरियलिस्टिक है, ये अलग बात है कि मोदी जी ने क्या कर दिया था, डीमोनेटाइजेशन, तो रुपया चेंज कर, ये तो नहीं चेंज हुआ था, जो भी चेंज हुआ था चेंज हो गया था, लेकिन तब भी वो किसमें था, मटेरियल फॉर्म में। पेपर फॉर्म मतलब सिक्के भी क्या है, मटेरियल फॉर्म में। ये बताओ कि मटेरियल फॉर्म में अगर ये है तो क्या चोरी होने का डर है? चोरी होने का डर है, एकदम है। अच्छा, क्या समय के साथ साथ ये खराब भी हो जाएगा? अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वैसे हम लोग बहुत सफाई वाले हैं, रुपए को लेकर हमारे सफाई वालों को मैटर ही नहीं है, इसको तो हम आराम से कर लेते हैं। छी क्या तुम्हें क्या लगता है जो नोट तुम पकड़ती हो वो क्या है, वो डिटॉल से धुले हुए होते हैं वो है तो मतलब जो पहले पेपर फॉर्म हुआ करता था, ये बताओ क्या आज की डेट में ये पेपर फॉर्म क्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, जिसे कहते हैं डिजिटल करेंसी, जो कहां पड़ी होती है, वॉलेट्स में। कौन सा वॉलेट? मे बी पेटीएम वॉलेट, भीम, गूगल पे, वट एवर द वॉलेट। इस अब तुम्हें सुना होगा एयरटेल का भी वॉलेट है, एयरटेल मनी, ओला मनी, टोला मनी या कोला मनी, सबके वॉलेट बने हुए हैं। वॉलेट के अंदर जो पैसा है वो मटेरियलाइज्ड है या डीमटेरियलाइज्ड? क्या है वो? डीमटेरियलाइज्ड। ये डिपॉजिटरी करता क्या है? पहली बात तो ये पैसा हम लोग कहाँ रखते थे अभी तक, बैंकों में, मटेरियल फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? लेकिन फिर क्या हुआ, बैंकों का सब्स्टिट्यूट खड़ा हुआ क्या, वॉलेट्स, जहां पर डीमटेरियलाइज कर दिया गया पैसे को, कि एक आदमी दूसरे आदमी को पैसा ट्रांसफर करे। मटेरियल फॉर्म में ट्रांसफर कर रहा है या डीमटेरियलाइज फॉर्म में? डीमटेरियलाइज फॉर्म में। जैसे कि मैंने बोला रुपए के लिए बैंक होते हैं, ऐसे ही इन मटेरियलिस्टिक शेयर्स को रखने के लिए जो बैंक है उसे कहते हैं डिपोजिटरी। क्या बोलते हैं? डिपोजिटरी। डिपोजिटरी का मतलब वो जो शेयर्स को अपने पास संभाल के रखेगा, किस फॉर्म में? मटेरियल फॉर्म में। पहले मटेरियल फॉर्म में, पेपर फॉर्म में ये लोग रखा करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है? अब रुको रुको, ये जो डिपॉजिटरी है, पहली बात तो ये दो तरह की है, एक है NSDL, दूसरी है CDSL। दो तरह की डिपॉजिटरी पूरे इंडिया में दो ही है, तीसरा नहीं है। मतलब शेयर रखने की परमिशन सिर्फ दो ही लोगों के पास है, या तो NSDL के पास या फिर CDSL के पास। और जो भी इनके पास शेयर्स, यानी कि कंपनी के पास जो पेपर फॉर्म में शेयर्स थे, वो पेपर फॉर्म वाले शेयर्स वो लेके जाएगा डिपॉजिटरी के पास डीमटेरियलाइज कराने। डीमटेरियलाइज का मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने, यानी कि डिपॉजिटरी क्या करेगी, उसको इलेक्ट्रॉनिक पेपर फॉर्म को कन्वर्ट करेगी, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, या फिर बोल सकते हैं डिजिटल फॉर्म में। कौन करता है पेपर्स को कन्वर्ट? डिपॉजिटरी। पुराने जमाने में बहुत खर्चा होता था किस बात का, पेपर में छापो, पहले पेपर शेयर्स कहां छपते थे, पेपर्स की फॉर्म में छपते थे। अब क्या हो गया, लेटेस्ट पेपर फॉर्म में छपते नहीं, किसी भी कंपनी का शेयर पेपर फॉर्म में नहीं आता। कैसे आते हैं? सारे के सारे डी मटेरियलाइज फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? डी मटेरियलाइज का मतलब आपके अकाउंट में ही होंगे वो अकाउंट, चाहे आपका सीडीएसएल में हो या फिर एनएसडीएल में हो।
अल्टीमेटली कहां होएगा वो? डिपोजिटरी में। कहां होएगा? डिपोजिटरी। डिपोजिटरी क्या करता है? डी मटेरियलाइज करता है किसको? शेयर्स को। किसके लिए? कंपनी के लिए। तो जरा मुझे एक बात बताओ, जो मैंने अभी यहां सामने जो भी तुम्हारे सामने बनाया है, तुम्हें एक चीज क्लियर हो गई, किसी भी कंपनी को अगर पैसा चाहिए, किसी भी कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो पहले कहा जाता है सेबी, वहां क्या देता है? फी। फी से क्या होता है? ऑथराइज कैपिटल उसे अलॉट होती है। फिर वो जाता है कहां? स्टॉक एक्सचेंज में, एनएससी बीएससी दोनों या किसी भी एक जगह में जाके लिस्टेड होता है। फिर वो जाता है कहां? डिपोजिटरी, वहां जाके अपने शेयर्स को डीमटेरियलाइज कराता है। शेयर्स को क्या कराता है? डीमटेरियलाइज। ये सब होने के बाद अब वो क्या स्टार्ट कर सकता है? अपनी इशू ऑफ शेयर्स की फॉर्मेलिटीज या इशू ऑफ डिबेंचर्स की फॉर्मेलिटीज। अभी जब तुम इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ोगे तुम देखोगे बोथ आर सेम सेम, बहुत कुछ 100% 90% दोनों का सेम रहता है, सेम एंट्रीज, नाम बदल जाता है खाली, शेयर्स की क्या लग जाता है? डिबेंचर्स, बाकी कुछ नहीं। यानी ये सारी प्रोसेस करने के बाद कोई भी कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में क्या कर सकती है? इशू। क्या करेगी? इशू ऑफ शेयर्स कब होएगा? सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद होएगा। अच्छा, क्या तुम सबको इस बारे में पता है कि जब भी कोई कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो पहली एंट्री क्या मारती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्या तुम सबको इस बारे में पता है कि जब भी, अबे जब भी एप्लीकेशन आती है तो सेबी ने ऐसा बोला हुआ है कि अगर पब्लिक ने 90% सब्सक्रिप्शन नहीं किया शेयर्स का तो ऐसे में वो शेयर्स की सेकंड एंट्री नहीं कर सकता। सेकंड एंट्री मतलब कौन सी? अलॉटमेंट वाली एंट्री। मतलब पब्लिक ने पेमेंट तो दे दिया लेकिन मालूम चला कि जो हमारे टोटल वट एवर द नंबर ऑफ शेयर्स थे उसका 90% अभी शेयर सब्सक्राइब नहीं हुआ है। ये 11th बढ़कर आयो, नई बात नहीं है, 11th बढ़कर आयो, अंडर सब्सक्रिप्शन तो अभी बड़ा होगा, अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन। इसे क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब 100 शेयर इश्यू करने के लिए बोले और सरकार ने सीधे सीधे सेबी ने कह दिया कि अगर 90 शेयर से कम इश्यू, अगर कम सब्सक्राइब किए पब्लिक ने तो उस कंडीशन में हम तुम्हारी परमिशन कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये मानते हुए चल रहे हैं कि पब्लिक आपके शेयर्स पर, आपके प्रोजेक्ट पर ट्रस्ट नहीं कर रही है। हाँ भाई, क्या सब लोग पढ़कर आए हो ये वाली बात? क्या है ये? अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो ऐसे में शेयर्स की अथॉरिटी वो क्या हो जाएगी? कैंसिल। तो ये तो एक बहुत बड़ा खतरनाक एक खतरा हो गया भाई। इतना पैसा खर्च कर चुका है ये पहले से, कहां कहां? सेबी पर, स्टॉक एक्सचेंज पर, डिपोजिटरी पर। तो क्या ये खतरा है? हाँ, नहीं हुआ तो सारा कूड़ा। अच्छा, मैं तुम सभी से पूछ रहा हूं, ये बताओ, नहीं कोई रिटर्न नहीं, फीस है तो वो सारी प्रोसेस दोबारा होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं डीए, अभी मैंने रिसेंटली मैं अपने चंडीगढ़ में गया कि यहाँ का चंडीगढ़ का डीएल चाहिए, हम गए, हम ओवर कॉन्फिडेंट थे, अरे बचपन से पैदा होते ही चला रहे हैं, गाड़ी चली जाएगी, और चली भी गई। लेकिन कैसे गई? रिजेक्शन हो गया, बहुत तेज चला रहे थे हम, तो हमें नहीं मालूम था कि धीरे धीरे चलानी होती है। फिर मालूम चला 2500 रुपये हो गए, 2800 रुपये हो गए बर्बाद। तो मैं उनके पास गया, फिर मैं तो 2800 रुपये धीरे दोबारा रीटेस्ट करवा लूँ ना। तो उन्होंने बोला वो 2800 आपके जमा है, आपको ना 300-400 रुपये और एक्स्ट्रा जमा करने पड़ेंगे, और 300-400 एक्स्ट्रा जमा करके दोबारा परमिशन मिल जाएगी ट्रायल देने की। तो ऐसे ही क्या प्रोसेस है वो हमारे मतलब का नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इतना खर्चा कर चुके हैं तो दोबारा कंपनी मौका देगी, लेकिन अभी तो नहीं देगी, पहले कमियां दूर करो। फिलहाल मैं क्या बोल रहा हूँ, छोड़ दो ना, यहाँ तक क्यों जा रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि कंपनी इतनी इस स्टेज तक पहुंचाओ और तुम्हारा रिजेक्शन हो जाए? हाँ भाई, बहन, क्या तरीका है तुम्हारे पास? बताओ, रुक जाओ, बदतमीज, चुप रहो पहले एक मिनट। क्या तरीका है तुम्हारे पास इससे बचने का? 90% सब्सक्रिप्शन के क्राइटेरिया को तुम पूरा कर लो, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है जो तुम 11th पढ़कर आए हो। बताओ तरीका क्या है? तुम और कोशिश करो, तुम नजदीक हो, एग्जैक्ट नहीं हो, लेकिन
चुप, चल तुम भी ये नहीं, ये नहीं, और खुद ही खरीद लो, फिर चाहिए कोई पब्लिक का पैसा यार। कैपिटल, ये लड़की जीनियस है, ये ढूंढ रही है सच, तुम करो मिलेगा तो मिलेगा। तो सुनो, कोई बात नहीं, ऐसा है, इस 90% का खतरा है कंपनी के ऊपर, इसलिए कंपनी क्या करती है, इस 90% के टेंशन से बचने के लिए करती है अंडरराइटिंग। अंडरराइटर्स ये कुछ ऐसे एजेंट दलाल होते हैं जो क्या करते हैं, कंपनी का ठेका ले लेते हैं, चिंता मत कर तेरे सारे शेयर्स हम बिकवाएंगे। क्या बोलते हैं इसको, अंडर प्ले, सब 11th पे पड़ा हुआ है, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कौन होते हैं ये अंडरराइटर्स, इनका काम क्या होता है अंडरराइटर्स का, ये कंपनी को गारंटी देते हैं चिंता मत कर 90% नहीं हुआ तो हम बैठे हैं ना, हम ले लेंगे पूरे शेयर्स ले लेंगे, इसका मतलब तेरे सारे शेयर्स इशू हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारे हिसाब से क्या अंडरराइटर फ्री में करेगा ये काम, इसकी भी क्या जांच करेगा? अच्छा, एक और चीज, अंडरराइटर पर तुम भरोसा करोगे करोगे, लेकिन ये बताओ तुम शेयर्स इशू करने गए, अरे लोगों को पता कैसे चलेगा कि तुम्हारी कंपनी शेयर्स लेकर आती है? बहुत बढ़िया, जैसा कि इस जीनियस लड़के ने बोला, एडवर्टीजमेंट पर भी क्या करोगे, खर्चा करोगे, यानी एक्सपेंसेस करोगे। और ये जो पूरी प्रोसेस तुम्हें दिखाई दे रही है ना, तुम्हें ये लग रहा हो कि ये प्रोसेस, हाँ भाई, इट विल टेक, नहीं इतना ही लंबी प्रोसेस भी नहीं है, मतलब ये प्रोसेस 1 साल तक की चल जाती है, मतलब इस पूरी प्रोसेस को होने में, रजिस्ट्रेशन कराओ, ऐसे कराओ, तब जाके शेयर इशू करो, उसके बाद, यानी इस पूरी प्रोसेस के अंदर 1 साल तक लग जाता है। ध्यान से सुनना, मैं मान लूं कि अगर 1st of January को कंपनी ने प्रोसेस स्टार्ट की थी, कब की थी, 1st of January को, और जैसे मैंने बोला 1 साल मिलना ही मिलना है, हम मान लेते हैं 31st of December को कितने रुपए आने वाले हैं, 10,000 करोड़, लेकिन यानी 1 साल में पैसा आ जाएगा, जल्दी नहीं आएगा, 1 साल में पैसा आ जाएगा, इस पूरी प्रोसेस को होने में 5-6 महीने 9 महीने 10, 1 साल तक टाइम लग सकता है। अच्छा, जरा बताना मुझे कि ये अभी जो कंपनी थी, ये कौन कौन सी फी पे करके आया, एक तो सेबी को, फिर स्टॉक एक्सचेंज को, फिर डिपॉजिटरी को, फिर अंडरराइटर्स को, फिर यानी कि इसने बहुत सारे एक्सपेंसेस किए हैं, और ये एक्सपेंसेस कितने हैं, मैं मान लेता हूं ये सारे के सारे एक्सपेंसेस मिला के कुछ नहीं तो 10% ऑफ वट एवर जो रिक्वायर्ड है उसका होगा। क्या करो, 10% ज्यादा कर दिया मैंने, 5% कर देते हैं, कितना हो गया, छोड़ो मैं सिंपल ले लेता हूं, 100 करोड़ मान लेते हैं, कितना खर्चा आने वाला है, 100, यानी 100 करोड़ खर्च करूंगा मैं पहले, तब जाके मेरे पास कितने आएंगे, 10,000 करोड़ आएंगे। भाई ये बता दो मुझे, क्या 100 करोड़ छोटा अमाउंट है, नहीं है, अच्छा, लेकिन अगर 10,000 करोड़ चाहिए तो 100 करोड़ तो लाना पड़ेगा। अच्छा ये बताना जरा मुझे, पहली बात तो ये जो 10,000 करोड़ चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए, इससे तुम क्या करने वाले हो, वही पांचों काम, कौन कौन से, एस्टैब्लिशमेंट, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड मर्जर एंड एक्विजिशंस। अच्छा जरा बताना, ये जो 100 करोड़ इससे तुम क्या कर, ये शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इससे तुम क्या करने वाले हो, ये सारे खर्चे करने वाले हो, ये रही कंपनी, इसको पैसा चाहिए पब्लिक से, ये रहा हमारा सेबी, पैसा चाहिए पब्लिक से, लेकिन उससे पहले बहुत सारी ये फॉर्मेलिटीज़ हैं, कौन कौन सी थी, ये सेबी की फ़ी, मार्केट के खर्चे, डिपॉजिटरी के खर्चे, अंडरराइटिंग के खर्चे, एडवर्टीजमेंट के, और एक्स वाई और जी, ये सारे खर्चे मिला के कितने रुपए चाहिए थे, 100 करोड़।
अगर ये 100 करोड़ खर्च कर देंगे तो कितने आएंगे? 10,000 करोड़। ध्यान देना, इस 100 करोड़ ने क्या बनाया? एक ब्रिज। क्या बनाया? एक ब्रिज। क्या बनाया? एक ब्रिज। जब ये ब्रिज बना तो कंपनी को क्या मिला? फाइनेंस। क्या मिला? फाइनेंस। व्हाट इज दिस कॉल्ड? ब्रिज फाइनेंसिंग। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिज फाइनेंसिंग। समझ में आया कुछ? क्या ये जो 100 करोड़ आने हैं ये कहां से ले रहे हैं? हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट? शॉर्ट टर्म, पहले अभी हमने बात की थी, ये 100 करोड़ जो है शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म का माल कहां से आएगा? मनी मार्केट से, कैपिटल मार्केट। अच्छा, मनी मार्केट के अंदर 5 इंस्ट्रूमेंट थे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट देगा? कौन कहता है पढ़ाना होता है, सब आता है देखो उसे। अच्छा, तो किस बोला था? कंपनी के पास 2 ऑप्शन थे, एक था कॉमर्शियल पेपर, एक था कॉमर्शियल बिल। दोनों के लिए हमने एक चीज लिखी थी, कॉमर्शियल बिल जो होता है वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और दूसरा भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। लेकिन जो कॉमर्शियल पेपर होता है वो एक और काम आता है, किसके? ब्रिज। एक नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा, एक दो नंबर में, व्हाट इज ब्रिज फाइनेंसिंग। तो व्हाट इज ब्रिज फाइनेंसिंग? कि पब्लिक के पास से कंपनी तक के पास, हाँ भाई, कंपनी के पास पैसा तब आएगा जब वो ये सारे खर्चे करेंगे। तो इन सब खर्चों के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए होता है। वो शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट कहाँ से करते हैं? मनी मार्केट से कंपनी करती है। किस नाम से करती है? कॉमर्शियल पेपर। इससे होएगा क्या? क्या इससे होएगा? ये कि जैसे ही 31 तारीख को, सॉरी दिसंबर में, जैसे ही दिसंबर में शेयर्स अलॉट हो जाएंगे, 10,000 करोड़ आएंगे, उसमें से 100 करोड़ वापस कर दिए जाएंगे। यानी कंपनी की नीड भी पूरी हो गई, शॉर्ट टर्म नीड, और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा भी इकट्ठा हो गया। दिस इज व्हाट कॉल्ड ब्रिज फाइनेंसिंग। अभी क्या था ये? ब्रिज फाइनेंसिंग। क्लियर है ये ब्रिज फाइनेंसिंग? ब्रिज फाइनेंसिंग में तुमने पूरा एक प्रोसेस देखा। इस ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए कौन कौन पूरा एक प्रोसेस मैंने कराया है, तो मैं अभी भी पूरा प्रोसेस, ठीक है, पूरा प्रोसेस है ये पूरा प्रोसेस कहाँ हुआ है? ये पूरा प्रोसेस कहाँ हुआ है? कैपिटल मार्केट में या मनी मार्केट में? कैपिटल मार्केट में। इसमें से एक पॉइंट निकल गया था, ब्रिज फाइनेंस, वो कहाँ हुआ था? मनी मार्केट में। क्या हुआ था वो? मनी मार्केट। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये सारा का सारा जो प्रोसेस हुआ है, क्या इस प्रोसेस में ये कंपनी पहली बार अपने शेयर इशू कर रही थी? हाँ, पहली बार ऑथराइज कैपिटल मिली थी, पहली बार अपने शेयर्स को वो इशू कर रही थी। पहली बार का मतलब क्या 5 साल के बाद, जैसा कि मैंने बोला, पहली बार इशू कर रही थी, इसका मतलब लाइक जनवरी 2000 में उसने पहली बार 10,000 करोड़ की क्या ली थी? ऑथराइज्ड। अच्छा, फिर उसने ईयर 2010 में कंपनी ने दोबारा 20,000 करोड़ की ऑथराइज कैपिटल और बढ़वा ली, हो सकता है? हाँ। अच्छा, 2019 में फिर कंपनी ने 50,000 करोड़ की, 50,000 करोड़ की और ऑथराइज कैपिटल बनवा ली, हो सकता है? हाँ, इन सभी को क्या बोलते हैं? ऑथराइज कैपिटल। लेकिन ध्यान देना, 2000 में वो पहुंचा जनवरी में 10,000 करोड़ लेकर आया, फिर पहुंच गया दोबारा एक महीने बाद कि से भी और पैसा चाहिए। नहीं, परमिशन ऐसे नहीं मिलती, टफ टास्क होता है, पूरी प्रोसेस करनी पड़ती है, ठीक है। ये प्रोसेस नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं। मेरी बात सुनना, क्या मैं इसको बोलूँ कंपनी का फर्स्ट इशू? क्या मैं इसे बोलूँ कंपनी का सेकेंड इशू? क्या मैं इसे बोलूँ कंपनी का थर्ड इशू? हाँ, बोल सकता हूँ। अच्छा, मैं इतनी बदतमीजी क्यों कर रहा हूँ? क्यों ना मैं ये बोल दूँ न्यू इशू या फ्रेश इशू? क्या यही बोल सकते हैं? हाँ, जब भी कंपनी पहली बार कोई शेयर इशू करती है तो उसे बोलते हैं पहली, मतलब पहली, दूसरी या तीसरी, कभी भी हो वो पहली बार। पहली बार का मतलब क्या? इसलिए पहला दूसरा बोलने से बढ़िया क्या रहेगा? न्यू इशू या फ्रेश इशू। कंपनी जब भी पहली बार पब्लिक से पैसा मांगती है तो वो मांगती है प्राइमरी मार्केट में जाकर। कौन से मार्केट में? मतलब प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? प्राइमरी मार्केट में जिस भी कंपनी को पैसा इकट्ठा करना है
वो कहां से करेगा? प्राइमरी मार्केट से। मेरी बात ध्यान सुन लेना मैं क्या कह रहा हूं। कंपनी करेगी सेल ऑफ शेयर्स, नहीं बोलूंगा इश्यू ऑफ शेयर्स। कौन से मार्केट में? कौन से मार्केट में? प्राइमरी मार्केट। अच्छा, लेकिन जो पब्लिक है, पब्लिक इस मार्केट में क्या करेगी? यानी कि एक तरफ शेयर्स का इश्यू हो रहा है, दूसरी तरफ शेयर्स की क्या हो गई? बाइंग, परचेज हो गई। ये मैं मान लेता हूं ये परचेज की थी किसने? ए ने। किससे? कंपनी से। अब जैसे ही कंपनी से ए ने परचेज की, कंपनी का काम शुरू हो गया। मैं बात ध्यान से सुनना, जब कंपनी ने अभी शेयर इशू किए तो तुम्हारे हिसाब से इस पैसे से कंपनी ने क्या किया होगा? क्या किया होगा? वही पांच काम है ना, यानी कि क्या जो भी रिक्वायरमेंट थी उनकी रिक्वायरमेंट पूरी की होगी। अच्छा ये बताओ, क्या इन्होंने इस बीच में नई बिल्डिंग भी बनाई होगी? है ना, नई लैंड बिल्डिंग और जो भी फिक्स एसेट्स है, क्या इसको उसने फिक्स एसेट्स में मॉडर्नाइजेशन में इन सब में खर्च किया होगा? दिस इज वॉट कॉल्ड इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में से कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? यानी इस पैसे से क्या हुआ है? कैपिटल। अच्छा ये पैसा था किसका? मतलब जो भी फिलहाल हम एक पर्टिकुलर बंदे की बात करें, ए का। इसका मतलब प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन। जो किसने किसका पैसा लगा था? ए का कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोल रहा हूं मैं? ए ने कैपिटल फॉर्मेशन किया, मतलब ए ने कंपनी को पैसा दिया, उस कंपनी से, उस पैसे से कंपनी ने वो पांच काम किए, वो पांचों काम मिलकर क्या बनाते हैं? कैपिटल को बढ़ाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। अब हुआ ये कि ए की बेटी की आ गई शादी, एक साल बाद, दो साल बाद, पांच साल बाद। ए पहुंचा, किसके पास जाएगा पैसा वापस लेने के लिए? बताओ, कंपनी के पास। तो वो कंपनी के पास पहुंचा कि भाई ऐसा है कि ना, अब मेरा पैसा मुझे वापस कर दो। कंपनी ने बोला, देख ताऊ, तेरा पैसा तो वापस करेंगे नहीं, तू जो कर सकता है कर ले। क्यों नहीं करोगे सब वापस? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम देश के लिए कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने हमें इस बात की पावर दी है कि जिससे तुमने पैसा लिया है उस पैसे से क्या करो? देश की ग्रोथ करो, अपने बिजनेस। सीधी बात है, बिजनेस की ग्रोथ का मतलब एक्सपेंशन, जीडीपी का बढ़ना, जीडीपी का बढ़ना, नेशनल इनकम का बढ़ना, नेशनल इनकम का बढ़ना, वर्ल्ड में रैंकिंग होना, मतलब कि देश को आगे बढ़ाओ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। तो कंपनी ने मना कर दिया ऐसे कि भाई हम तो तुझे पैसा नहीं देंगे क्योंकि हमने तो देश के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, तू एक काम कर, अगर तुझे पैसा चाहिए तो तू सेबी के पास जा, सेबी ने हमें बोला हुआ है कि हम किसी को पैसा वापस नहीं करते। जब तक कंपनी बर्बाद नहीं होती है, तुम पढ़कर आए हो ये, जब तक कंपनी परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? जब तक कंपनी बर्बाद नहीं होती है तब तक चलती रहेगी, कोई उसको रोक नहीं सकता। परपेचुअल सक्सेशन सुना होगा तुमने कि जब तक कंपनी बर्बाद नहीं होती तब चलती रहेगी। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, अभी एक घंटे दो घंटे बाद सोगी, अभी से क्यों सो रही, खाना भी तो खाना है अभी। हाँ जी, तो सेबी के पास पहुंचा कौन? ए। सेबी ने बोला, देख भाई ऐसा है कि हमने कंपनी को स्पेशल रेट दिया इस बात का क्योंकि उसने हमारा हेडेक कम कर दिया, कौन सा, हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, देश की कैपिटल फॉर्मेट करेगी, तो एक काम करते हैं तुम्हारे लिए एक नया मार्केट बनाते हैं। कौन सा मार्केट? सेकेंडरी मार्केट। इस सेकेंडरी मार्केट में क्या होएगा? इस सेकेंडरी मार्केट में ए पहुंचेगा, क्या बन जाएगा? ए सेलर, इश्यूअर नहीं बोल रहा हूं, क्या कर रहा है? सेलर। ए ने शेयर बेचे यहां आके, अब बी सी डी जिसने खरीदना हो वो खरीदे। हुआ क्या, यहां पर कौन थे? बायर्स। ये बायर्स कौन हो सकते हैं? बी बी सी बी डी बी, कोई भी हो सकता है, कोई भी। तो ध्यान से सुनना, जैसे ही ए ने अपने शेयर्स बी को बेच दिए, अब इस कंपनी में पैसा किसका लगा है? बी का या ए का? बी का। अच्छा जरा बताना मुझे, स्टार्टिंग में प्राइमरी मार्केट में पैसा किसका लगा था?
तो कंपनी के पास जो आए थे व्हाटएवर द अमाउंट वो किसने दिया था? ए ने। अगर वो पैसा ए से नहीं आता तो शायद कंपनी ग्रो। तो इसका था डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन। क्या था? डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? यानी प्राइमरी मार्केट डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन करवाता है और सेकेंडरी मार्केट की वजह से इनडायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। क्योंकि अब हम क्या बोलेंगे, किसके पैसे से देश आगे बढ़ा है? बी के। जबकि वो डायरेक्ट पैसा नहीं है। क्या है वो? इनडायरेक्ट पैसा। मुझे एक बार बताओ, तुम्हारे हिसाब से प्राइमरी मार्केट में लिक्विडिटी दिखाई दे रही है या सेकेंडरी मार्केट में? सेकेंडरी में या प्राइमरी में? व्हाट इज लिक्विडिटी? इजिली कन्वर्टेबिलिटी इनटू। तो भाई प्राइमरी मार्केट में मना कर दिया, हम पैसा देंगे ही नहीं। इसका मतलब प्राइमरी मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होती है। आप सिर्फ खरीद सकते हो शेयर्स, बेच नहीं सकते हो। बेचने के लिए कहा जाते हो? ध्यान से सुन लो फिर से। ए ने अपने शेयर कहां बेचे? सेकेंडरी। अच्छा, खरीदे कहां थे उसने, जरा बताना मुझे। जब उसने खरीदे थे तो क्या किया था? इन्वेस्ट। अच्छा, जब उसने सेकेंडरी मार्केट में आके बेचे तो उसने क्या किया? डिस इन्वेस्ट। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से बायर ने क्या किया है? इन्वेस्ट। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से क्या अब ए किसी और कंपनी के शेयर भी खरीद सकता है? अगर उसने किसी और कंपनी के शेयर खरीदे तो प्राइमरी मार्केट से खरीदेगा या सेकेंडरी मार्केट से? ना ना ना, अगर फ्रेश इश्यू है तो कहां से खरीदेगा, और पुराने शेयर है तो कहां से खरीदेगा? भाई ए अपने शेयर जो बेचने आया था उसे बोलते हैं एग्जिस्टेड शेयर्स। जबकि जब कंपनी बेचने आई थी तो क्या था वो? न्यू इश्यू। क्या था? न्यू शेयर्स। नए शेयर कहां बिकते हैं? प्राइमरी मार्केट में। पुराने शेयर कहां बिकते हैं? तो अगर ए नए शेयर नए कंपनी के शेयर खरीद रहा है, न्यू शेयर खरीद रहा है, तो कहां से खरीदेगा? लेकिन अगर एग्जिस्टेड शेयर खरीद रहा है, व्हाट इज एग्जिस्टेड शेयर? किसी और आदमी के पास वो शेयर पहले से है, उसे कहते हैं एग्जिस्टेड शेयर। अगर एग्जिस्टेड शेयर खरीद रहा है तो कहां से खरीदेगा? सेकेंडरी मार्केट से। नए शेयर खरीद रहा है तो कहां से खरीदेगा? प्राइमरी मार्केट से। इसका मतलब सुनना, ए ने क्या किया था? डिसइन्वेस्ट। और जब उसने किसी और कंपनी में खरीदा तो उसे क्या बोलेंगे? री इन्वेस्ट। मतलब हाँ भाई, प्राइमरी मार्केट क्या करता है? इन्वेस्ट। जबकि सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? री इन्वेस्ट और डिसइन्वेस्ट। क्या? री इन्वेस्ट और डिसइन्वेस्ट होता है कहां पर? सेकेंडरी मार्केट में। जबकि प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? इन्वेस्ट। खरीदेगा तो कहीं ना कहीं से तो खरीद, किसी पुराने आदमी से तो खरीदेगा। सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टेड शेयर बिकते हैं जो किसी ना किसी के पास तो होंगे। तो सी किससे खरीदेगा? जेड से। तो जेड के पास पहले से होंगे। पहली बार जब जेड ने खरीदे होंगे तो फ्रेश इश्यू खरीदा होगा या फिर एग्जिस्टेड शेयर। भाई बीवा सुनो, क्या आज की डेट में रिलायंस तुमसे बोल रहे हैं पैसा दो? नहीं। रिलायंस ने 20 साल पहले पब्लिक से पैसा लिया था, तो 20 साल पहले वो क्या था? फ्रेश इश्यू। आज क्या है? एग्जिस्टेड शेयर्स। तब क्या थे? फ्रेश शेयर्स थे। आज क्या है वो? एग्जिस्टेड शेयर्स। आज अगर तुम्हें रिलायंस से पैसा खरीद डालना है तो कौन से मार्केट में खरीदोगे? प्राइमरी में या सेकेंडरी में? सेकेंडरी। लेकिन 20 साल पहले जिन्होंने खरीदा उन्होंने कहां खरीदा होगा? लेकिन अगर आज रिलायंस दोबारा से क्या करे, सेबी के पास जाके और ऑथराइज कैपिटल बढ़वा ले और जब मार्केट में बेचने के लिए आए तो लोग कौन से मार्केट से खरीदेंगे? लेकिन जिस दिन लोगों ने खरीद लिया उसके 10 दिन बाद जब लोग बेचेंगे, कहां बेचेंगे? अब उन लोगों से कोई और खरीदने के लिए आएंगे, वो कहां से खरीदेंगे? सेकेंडरी मार्केट। मतलब सिंपल समझते हैं, प्राइमरी मार्केट क्या होता है? नए शेयर्स के लिए होता है, जबकि सेकेंडरी मार्केट पुराने शेयर्स के लिए, एग्जिस्टेड शेयर्स के लिए होता है। इसलिए हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट में सिर्फ क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। इसीलिए हम कहते हैं ये क्या काम किसमें हेल्प करता है? कैपिटल फॉर्मेशन में, डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन करता है। जबकि सेकेंडरी मार्केट में इनडायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहां पर सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टेड शेयर्स होता है, यानी कि यहां पर री इन्वेस्ट और डिस इन्वेस्ट किया जाता है। तो
अच्छा इन्वेस्ट भी, री इन्वेस्ट भी, डिसइन्वेस्ट भी। हाँ भाई क्लियर है ये क्या? नहीं आ जाओ, तो हम आते हैं आज का टॉपिक। वैसे मैंने कुछ और डिसाइड किया था लेकिन क्या नाम है, दूसरे बैच में ही कराया गया, शॉर्ट कर दिया, दो घंटे वाले में कवर करेंगे दूसरा टॉपिक जो है। हाँ तो कैपिटल मार्केट जो था दो पार्ट से बांटा गया था, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी। पहला आते हैं प्राइमरी मार्केट। क्या यहाँ पर न्यू इशू मार्केट कहते हैं इसको? हाँ न्यू शेयर इशू होते हैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम। ये क्लियर है? फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम मैंने समझाया था, कितने भी टाइम हो सकते हैं। इससे बेस्ट क्या रहेगा? न्यू इशू। ट्रांसफर प्राइमरी मार्केट में ट्रांसफर होता है इन्वेस्टेबल फंड कहाँ से? सेवर से इन्वेस्टर के पास, है ना? सेवर से इन्वेस्टर मतलब वही हाउस होल्ड से फर्म। किस लिए चाहिए होता है ये पैसा? कंपनी को बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, उसका मॉडर्नाइजेशन के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए, उसके मर्जर के लिए और डाइवर्सिफिकेशन के लिए। अच्छा यहां पर कौन कौन है जो इन्वेस्टर का मतलब, यहां पर गलत टर्म यूज कर रहा है, नहीं इस पॉइंट नहीं ज्यादा नहीं बात करेंगे, मतलब ये कौन कौन लोग हैं जो पैसा देंगे कंपनी को? तुम्हें याद होगा हमने वहां स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर के अंदर, हु इज द ओनर ऑफ द रिसोर्सेस? हाउस होल्ड। अच्छा अभी मैं ध्यान सुनना, ये हाउस होल्ड अपना पैसा कहां कहां डालते हैं? बैंक में। अच्छा और इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड कंपनीज कहां कहां पर? मैं बोल रहा हूं बैंकों में डालते हैं। ये रहे हाउस होल्ड, कहां डालते हैं पैसा? बैंकों में। कहां डालते हैं? इंश्योरेंस में। कहां पर? म्यूचुअल फंड में। और जो दिया है ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसे क्या बोलते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसे उधार देते हैं, लेते नहीं है। तो हुआ क्या? हाँ भाई हुआ ये कि रिलायंस ने नए इशू निकाले। रिलायंस कह रही है 10 रुपए का एक शेयर बेचेंगे, जो भी खरीदना चाहे खरीद सकता है। सबसे पहले तो ए बी सी डी चारों पहुंचे खरीदने के लिए, फिर ICICI बैंक ने बोला मैं भी खरीदूंगा इसके शेयर। खरीद सकता है, हाँ पैसा उसके पास। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन IFCI गया, इसने बोला मैं भी खरीदूंगा, खरीद ले भी, तू भी खरीद ले। इंश्योरेंस कंपनी LIC बोल रही है मैं भी खरीदूंगी इसके शेयर, तू भी खरीद ले। म्यूचुअल फंड कंपनी रिलायंस म्यूचुअल फंड बोल रहा है मैं भी खरीदूंगा, तू भी खरीद ले। मेरी बात ध्यान सुनना, ये सारे के सारे ऊपर वाले हैं ना, ऊपर वाले, इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तुमने सुना है ना FII? ये इंडिया वाले FII है, इसे कहते हैं DII। क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब अमेरिकन आए थे तो कहा था FII, जब ये इंडिया वाले होते तो क्या बोलते हैं? DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये इंस्टीट्यूशंस है, इंडिविजुअल नहीं। इंडिविजुअल कौन होता है? हाउस होल्ड। क्लियर है? तो हमने बोला इन्वेस्टर कौन होते हैं यहां पर? या तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी कंपनियां लगाती हैं दूसरी कंपनी में पैसा, या फिर इंडिविजुअल लगाता है दूसरी कंपनी में पैसा। और ये इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकते हैं? शेयर्स हो सकते हैं या डिबेंचर्स हो सकते हैं। डिबेंचर का मतलब लोन, और शेयर दो तरह के होते हैं, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स। आओ भैया फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट। क्या तुम्हें याद है अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था कि स्टॉक एक्सचेंज का मतलब स्टॉक मार्केट? अच्छा अभी अभी बताया था, कितने होते हैं ये? दो, एक तो NSE और BSE। मतलब तुम्हें सुन के अच्छा लगना चाहिए, बहुत अच्छा लगना चाहिए कि जो मैंने तुम्हें कहानी सुनाई थी जरा याद करके बताना, मैंने उस कहानी में कहीं भी ऐसा कहा था क्या कि कंपनी को पहली बार शेयर इशू करने हैं तो NSE में बेचेगी या BSE में? ना, हमने कहा था कि वो NSE या BSE में रजिस्टर्ड होगी, लेकिन बेचेगी NSE BSE से नहीं, क्योंकि NSE और BSE क्या है? सेकेंडरी मार्केट। लिख लो इसके ऊपर, क्या सेकेंडरी मार्केट है ये? क्या सेकेंडरी मार्केट। और कोई भी कंपनी जो नए शेयर बेचती है वो प्राइमरी में बेचती है। इसका मतलब NSE BSE में क्यों रजिस्ट्रेशन करवाया गया था? जिससे लोग बेच सके अपने शेयर वहां पर, लोग क्या कर सके? इन्वेस्ट, री इन्वेस्ट, डिस इन्वेस्ट कर सके। यानी क्या लेकर आए? लिक्विडिटी। तुम बताओ, तुम हाँ कौन, तुम्हारे साथ कौन बेचेगा सेकेंडरी मार्केट? पहले बताओ, एग्जिस्टिंग हाउस होल्ड। हाँ फिर अब क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, बताओ। अब तुम बताओ, तुम बताओ तुम्हारे साथ कहाँ बेचेगी? तुमने खुद तो अरे तो फिर क्वेश्चन ही पूछ रहे हो, आंसर भी तुम दे रहे हो यार।
कौन बेचेगा, कौन बेचेगा सेकेंडरी में, तो फिर क्यों पूछ रहे हो दोबारा? अरे यार तुम खुद ही क्वेश्चन दे रहे हो, खुद ही आंसर दे रहे हो यार। अरे नहीं समझे, तुम खुद ही नहीं, तुम खुद बोल रहे हो कि कंपनी कहां बेचती है अपने शेयर्स, प्राइमरी मार्केट में, तो फिर तुम ये क्यों बोल रहे हो सेकेंडरी मार्केट में बेचेगी? अरे प्राइमरी बेचती है वो अपने शेयर्स, सेकेंडरी में कौन बेचता है? हाउस होल्ड या वो लोग जिनके पास पहले से शेयर पड़े हुए हैं। तो कंपनी कहां बेचती है, कंपनी कहां बेचती है? समझ गए नहीं समझ गए? और तुम्हें, तुमने खुद ही आंसर दिया है कि कंपनी कहां बेचती है, प्राइमरी मार्केट में। हाँ जी, तो आओ देखते हैं सेकेंडरी मार्केट में क्या क्या होता है। पॉइंट नंबर वन, इट क्रिएट्स अ कंड्यूसिव क्लाइमेट। ये क्या है, एक अच्छा क्लाइमेट क्रिएट करती है। कौन कौन? सेकेंडरी मार्केट एक क्लाइमेट क्रिएट करता है जिससे कि लोग खरीद और बेच सके। किसको? एग्जिस्टिंग एग्जिस्टेड सिक्योरिटीज को। इट प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, एंड दिस इज द बेसिक फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है। अभी ये बताओ, मैंने तुम्हें कहानी सुनाई थी, मैंने तो बताया था ये सेकेंडरी मार्केट कब खोला, जब ए पहुंचा था सेबी के पास कि मैंने शेयर तो खरीद लिए, बेचूं कहां? यानी क्या चाहिए थी उसको बेचने के लिए? लिक्विडिटी। तो सेबी ने उसके लिए क्या खोल के दिया? सेकेंडरी मार्केट। इसका मतलब सेकेंडरी मार्केट का मेन फंक्शन क्या है? लिक्विडिटी देना, जिससे कि एग्जिस्टिंग मार्केट एग्जिस्टिंग शेयर्स को वो बेच सके। इससे क्या होता है, क्रिएशन ऑफ मार्केट, यानी बायर और सेलर दोनों आ पाते हैं, री इन्वेस्ट और डिस इन्वेस्ट करते हैं। इट प्रोवाइड्स बोथ लिक्विडिटी एज वेल एज व्हाट इज मार्केटेबिलिटी, जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों होती है उसे बोलते हैं मार्केट। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, डिमांड और सप्लाई मिलकर खुद डिसाइड करते हैं प्राइस क्या होंगे। इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ कॉन्स्टेंट वैल्यूएशन, बार बार बायर और सेलर आते रहते हैं और प्राइस डिटरमाइन करते रहते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर भी है। सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, आज की डेट में मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हो तो जिम्मेदारी किसकी? एनएससी और बीएससी की। आज सुबह सुबह की बात है, आज हमारे एक क्लाइंट है, उन्होंने एक सौदा किया दिल्ली से, और जैसे उनका सौदा हुआ तो उनका फ़ोन आया मेरे पास एकदम से कि सर मेरा कंप्यूटर हैक हो गया। मैंने क्या बात कर रहे हो सर? हाँ सर, मैंने शेयर बेचे थे, पता नहीं कैसे बाय हो गए, ऑटोमेटिकली बाय हो गए। मैंने सर ऐसा नहीं हो सकता सर, हमने कंपनी को बॉम्बे फ़ोन लगाया, बॉम्बे से पता किया कि क्या हो गया था, तो मालूम चला क्लाइंट ने खुद ही गलती से शेयर्स पाँच लॉट बाय कर रहे थे, 10 लॉट बाय कर लिए, उसको लगा कि मेरे 5 लॉट ही हैं। यानी इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि हर एक घटना को लेकर कि वो घटना कहाँ घटी है, किसकी आईडी से, किस इंटरनेट से गया है सौदा, सब कुछ कंपनी ने हमें बताया। यानी एनएससी बीएससी के पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। यानी सेफ्टी है किस चीज़ की? ट्रांजेक्शन की। एग्जिस्टिंग लेवल लीगल फ्रेमवर्क है, क्योंकि ये किसने बनाया है? सेबी ने। वेल रेगुलेटेड बाय होम? सेबी। वेल डिफाइंड बाय होम? सेबी। सेफ डीलिंग करवाता है कौन? सेबी, थ्रू एनएससी एंड बीएससी, जो कि मार्केट है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट भी करता है, क्योंकि यहां पर रीसोल्ड यानी कि क्या, बाइंग एंड सेलिंग होती है। व्हाट इज बाइंग एंड सेलिंग? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कहां होती है? सेकेंडरी मार्केट में। शेयर्स की ट्रेडिंग कहां होती है? शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कहां होता है? प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट, और ट्रेडिंग के लिए क्या? सेकेंडरी मार्केट। डिस इन्वेस्ट कहां होता है? सेकेंडरी मार्केट। री इन्वेस्ट कहां होता है? सेकेंडरी मार्केट। एंड इट लीड्स कैपिटल फॉर्मेशन। व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन? इन्वेस्टमेंट, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन। स्प्रेडिंग द इक्विटी कल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आएगा एक नंबर पे इक्विटी कल्ट। एक तो तुम्हारा ब्रिज फाइनेंसिंग इंपॉर्टेंट था, आता है एक नंबर में, अब तो पक्का आएगा। इक्विटी कल्ट बहुत आता है पेपर में। व्हाट इज इक्विटी कल्ट? इक्विटी कल्चर। ध्यान देना, मैंने तुम्हें आज छोटी सी एक स्टोरी सुनाई, अगली स्टोरी 2 घंटे की आएगी। जब 2 घंटे की स्टोरी आएगी तुम्हारा शेयर मार्केट को लेकर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड में पूरा एक सब्जेक्ट है, जस्ट लाइक अ बिजनेस एंड जस्ट लाइक अ इकोनॉमिक्स, एक पूरा सब्जेक्ट है कैपिटल मार्केट, लेकिन पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि हमारा मानना है कि मार्केट इज अ जुआ, और वो बच्चों को जुआ खेलना नहीं सिखाना। अगर वो सब्जेक्ट अभी आए तो पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं वो सब्जेक्ट, क्यों? ये सोच के कि जुआ है ये अलग बात है कि हर पेरेंट जरूर वो जुआ खेलता है लेकिन बच्चों को सिखाएगा नहीं। तो हमने क्या बोला, इक्विटी कल्ट का मतलब इक्विटी कल्चर। स्प्रेड करो, लोगों को बताओ कौन बताता है, क्यों फैल रहा है इक्विटी कल्चर, क्यों लेते हैं लोग शेयर्स? क्योंकि उनको पता है एक सेकेंडरी मार्केट है जहां पर हम अपने शेयर्स कभी भी बेचकर पैसा वापस। अगर ये सेकेंडरी मार्केट नहीं होता तो कोई भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट
क्योंकि शेयर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होती प्राइमरी मार्केट में. तो रेगुलेटिंग न्यू इश्यूज, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस के लिए एंड टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स इन एजुकेटिंग पब्लिक सरकार कर रही है. लेकिन एंड इट प्रोवाइड्स स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन. व्हाट इज स्पेकुलेशन? जुआ. हाँ भाई, ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि सरकार खुद जुआ खिला रही है. हाँ एकदम, शेयर मार्केट इज अ लीगल जुआ जिसके ऊपर आप टैक्स देते हो, बहुत हाईवे टैक्स देते हो, और एक लीगल जुआ है ये. अच्छा, जुआ क्यों है समझते हैं? याद है तुम्हें, ए जो था, ए शेयर खरीद के तो आ गया था, अब बेचने के लिए कहाँ गया? सेकेंडरी मार्केट में. अरे सेकेंडरी मार्केट में जिसको खरीदना था वो प्राइमरी मार्केट में खरीद चुका है, सेकेंडरी मार्केट में वो क्यों जाएगा खरीदने के लिए? सस्ता क्यों? महंगा मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है. सेकेंडरी मार्केट में क्या किया गया, बहुत सारे जुआरी बैठा दिए गए. जुआरी मतलब स्पेकुलेटर्स. इनका काम ये क्या है, ये शेयर मार्केट से पैसा कमाते हैं. कहाँ से कमाते हैं? शेयर मार्केट से. तुम लोगों ने इकोनॉमिक्स में फॉरेन एक्सचेंज पढ़ लिया होगा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पढ़ा है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट किसने नहीं पढ़ा? किसी का नहीं हुआ फॉरेन एक्सचेंज अभी? ठीक है, एक वहां भी सेम चीज है. क्या शेयर मार्केट क्या करता है? स्पेकुलेटर्स को जगह देता है. किस चीज़ की? हेजिंग करने की. मतलब क्या, अगर स्पेकुलेटर्स, ये सारे स्पेकुलेटर्स थे, मैं था ए, जब मैं सेकेंडरी मार्केट में गया शेयर बेचने के लिए, तो मुझे कौन मिले खरीदने वाले? स्पेकुलेटर्स. अगर इन स्पेकुलेटर्स को हटा दिया जाए तो शेयर मार्केट बर्बाद हो जाए. क्यों? क्योंकि बेचने वाला जाएगा और कोई खरीदने वाला नहीं होएगा. अच्छा, कौन है खरीदने वाले पता है तुम्हें? कौन है ये स्पेकुलेटर्स? ये है, सुनो सुनो, ये है रामप्रसाद जेठालाल, और कौन अपने मुंगेरी लाल, और कौन ये है, रुको रुको, FII. ये कौन है? ये है DII. जितने भी FII DII दे ऑल आर स्पेकुलेटर्स. वो हर आदमी स्पेकुलेटर है जो शेयर खरीद के अपने पास रखता नहीं है. जो क्या करता है, खरीदता इसलिए कि वो शॉर्ट टर्म में बेच देगा. तो ऐसे बहुत सारे डेली ट्रेडर्स होते हैं जो डेली इस मार्केट में आते हैं, पैसा कमाते हैं और इस मार्केट से बाहर निकल जाते हैं. डेली बेसिस पे आते हैं ये काम करने के लिए, जिनको क्या बोलते हैं? स्पेकुलेटर्स. अगर ये स्पेकुलेटर्स नहीं हुए तो क्या होएगा? लिक्विडिटी खत्म. कोई बायर ही नहीं होगा तो आप अपने शेयर्स कहां बेचोगे? तो लास्ट पॉइंट, एक स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है इन अ रेस्ट्रिक्टेड या कंट्रोल्ड मैनर. लीगल जुआ एंड स्पेकुलेशन फॉर लिक्विडिटी कर के लिए किया जाता है, प्राइस की कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने के लिए, मतलब प्राइस डिस्कवरी के लिए ये जुआ जरूरी है. थैंक यू.